कलायत नगर पालिका के एक पार्षद प्रतिनिधि का पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में अपहरण हो जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पता चला है कि पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला, जो कि उप प्रधान पूजा धीमान के साथ सिलीगुड़ी भ्रमण के लिए गए हुए थे, उनके साथ अन्य कई पार्षद भी थे। बताया गया है कि 8 अप्रैल को तीन पार्षद प्रतिनिधि शाम 8 बजे शहर में कुछ कार्य के लिए गए हुए थे। अचानक पीछे से गाड़ी में सवार 8-10 व्यक्ति आए और तीनों पर एकदम से हमला बोल दिया, जिसमें से दो पार्षद वहां से भागने में कामयाब हुए, मगर मौके पर पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला को दबोच लिया गया, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है। वहीं जब इसकी सूचना कलायत में संजय सिंगला के परिवार को मिली, पूरे शहर में भगदड़ मच गई। इस बारे में संजय सिंगला की माता सरोज सिंगला व पार्षद निशु सिंगला ने बताया कि दोपहर के बाद करीब 4 बजे फोन आया और संजय सिंगला ने अपने बच्चों से बात भी की, मगर जब शाम को उन्होंने फोन मिलाया तो उनसे बात नहीं हो पाई। बता दें कि संजय सिंगला वहां पर अपने चाचा रमेश सिंगला के मकान पर रह रहे थे। आज सुबह शहर के लोगों ने डीएसपी कार्यालय कलायत में पहुंचकर डीएसपी सुनील कुमार से बात की। इस मामले में डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि नगर पालिका चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और 12 अप्रैल को इसको लेकर चुनाव होना है। कुछ पार्षद सिलीगुड़ी घूमने गए हुए थे तो उनमें शामिल एक पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला का अपहरण कर लिया गया, जिसकी सूचना सिलीगुड़ी पुलिस को दे दी गई है। वहां की पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सिलीगुड़ी पुलिस को कलायत पुलिस की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा और जो महिला पार्षद है उनको 12 अप्रैल के चुनाव के लिए सुरक्षा प्रदान करवा दी जाएगी। गौरतलब है कि कलायत नगर पालिका के 13 पार्षदों में से 9 पार्षदों ने चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। बता दें कि कलायत नगर पालिका में कुल 13 पार्षद हैं और इनमें से 9 पार्षद पालिका के उप प्रधान पूजा धीमान के समर्थन में हैं। इन्हीं 9 पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है। आपसे बात हुई कि कल उनसे कोई ऐसी बात कोई हुई? फोन नहीं आया, कोई बात नहीं। कल शाम को 4 बजे हुई है बच्चे से, 4 बजे से बच्चों से बात करी थी, उसके बाद से कोई फोन नहीं। मैंने रात को मिला ही नहीं इनका फोन। डीएसपी साहब से मिले हो क्या? आश्वासन कह रहे हैं भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहाँ बंगाल में यहाँ कोई किसी मामला दर्ज वगैरह करवाया है कोई ऐसे? वहाँ पे बंगाल में दर्ज है लेकिन अभी यहाँ पे नहीं। हमारे देवर कर रहे हैं, चाचा रहते हैं मेरे वहाँ पे। तो पुलिस से क्या उम्मीद करते हो? बस मेरे पति वापस आ जाए, उनकी जान को खतरा है। पुलिस से तुम यही उम्मीद करते हो? दुखी बंदा कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, अपना भाईचारा इकट्ठा करेगा, गली मोहल्ला इकट्ठा करेगा। सो हमारे एक फोन पे सब जनता इकट्ठी हो गई है, ठीक है ना? ये तो 10वां हिस्सा नहीं है जिनको हम टिका के आए हैं, बिठा के आए हैं। तुम बैठो, अभी बैठो। बाकी हमारी 100 तक रिक्वेस्ट है, ये आस भी हम रख रहे हैं कि हमारी पुकार पुलिस सुनेगी। अगर ये हमें शाम तक रिजल्ट नहीं देती है तो फिर हमारा रिजल्ट पर नहीं, हमें नहीं रिजल्ट है, कुछ नजर आया। शाम रात से मेरा लड़का गायब है, गायब चाहो ठीक ही है, हम यूं नहीं कहते गायब है, उसको तो बोझ दिया, मार दिया, ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है वो सेफ भी है। तो हम तसल्ली कैसे करें? कहाँ पे आएंगे हम? यहीं पे आएंगे ना, पुलिस से अपनी सुनाएंगे, अपनी दुखी कथा किसको सुनाएंगे? अगर पुलिस भी इग्नोर करती है तो फिर हमें पूरा भय बना हुआ है जी, मेरा लड़का खतरे में है। ये डीएसपी कार्यालय पहुंचे, क्या मामला था? मामला ये था जी, मेरा बच्चा एमसी है, एमसी मतलब उसकी वाइफ है, वो इनका क्या बोलते चेयरमैन का इनका रोल था आपस में। 5-7 बंदे घूमने जा रहे थे वहाँ पे, वहाँ गए मेरे बच्चे को, वहाँ इन्होंने किडनैप कर लिया। कहाँ का वारदात है ये? वारदात है सिलीगुड़ी की वारदात है ये। वहाँ मेरा बच्चा अकेला, दो तो भाग गए, अकेला मेरा बच्चा रह गया, और तीन था वो कुछ उस पर मोबाइल थे भी उसके बंद कर दिए। इस टाइम वो पता नहीं कैसे है, किस हालात में है, क्या नहीं है। ये मेरी आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, देखो कार्रवाई तो जनता करेगी, हम क्या कर सकते, लेडीज है, छोटे छोटे मेरे पोता पोती है, आदमी मेरा नहीं है। हाँ तो आपने ये बात हल्के में ले लो, भारी में ले लो, आप भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है सर, आप रिजल्ट तक पहुँच जाए, बेशक वो कोई भी है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी है, मेरे बच्चे को छोड़ दे बस। पूरा नाम क्या है उनका? किनका? संजय सिंगला। कौन से वार्ड से? पार्षद बारावाट से, एमसी ये है, प्रतिनिधि है। हाँ ठीक है ना, ये घूमने गए हुए थे, कोई बात ही नहीं थी, वहाँ से यहाँ बंदे भेज दिए, उठा लो वहाँ से, दो भाग गए, एक मेरा बच्चा काबू आ गया उनके, उसके मोबाइल बंद कर दिए। अब वो है क्या नहीं है, बेशक सेफ ही है, एक माँ का दिल 6 बातें सोचता है, वो फोन ही उठा रहा, जब बात ही नहीं कर रहा तो कहाँ है, किस हालात में है वो, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? ब्रेक।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक